गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम 1920 और 1819 के करेंगे। 1920 में सेट ए में 2947 नंबर है और सेट बी में 21, 23 एंड 35 है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पेयर इक्वेशन इज दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। यहाँ पे कैसे करना है आपको, एक्स और वाई की जगह पे -4 और देखो -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो 3 × -4 -4 × -1 सो -12 + 4 तो -8, तो ये तो करेक्ट है। इफ पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देन इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 और -3, देखिए 4 और -3 अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट करते हैं, जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है, -3 में ये -1 है -2 और -3, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। 4 और -3 है तो मतलब कहीं पे यहाँ पे आया, राइट, यहीं पे है, ओके। सो 4 और -3 मतलब ये रहा, एक ये और एक ये, राइट। अब क्या है कि 3 units परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 units, इज फॉल्स, ठीक है। तो क्योंकि ये -3 units है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से देखेंगे तो, सो 3 units नहीं है। सो जो रॉन्ग है वो है दिस। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इज 2 points हैविंग द सेम एप्सिका बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, 2 points हैविंग द सेम एप्सिका बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाइज ऑन अ पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सेम एप्सिका मतलब 2 points है, 2 points हैविंग द सेम एप्सिका बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, मतलब कि 2, 1 ले लो और 2, 3 ले लो, ठीक है। तो ये देखिए 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 3 है। सो पहले तो मैंने 2, 1 लिया, ठीक है, उसके बाद 2, 3, सो 2 और 3, तो क्या ये पैरेलल है वाई एक्सिस से अगर आप ज्वाइन करोगे तो इट इज़ ट्रू, राइट। उसके बाद है ओके, द एप्सिका ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। एप्सिका ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फॉल्स। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट्स इज कॉल्ड द ओरिजिन। ट्रू, ये ओरिजिन है ना, दो एक्सिस मिल रही है, सो दिस इज 0 और 0। फिर द साइंस ऑफ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट्स आर सेम इन 1, यहाँ पे प्लस और प्लस है और यहाँ पे माइनस एंड माइनस है, 1 और 4 नो फॉल्स, 1 और 3 है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.28 फ्रॉम द वाई एक्सिस इट्स 8 units फॉल्स। 2 और 8 यहाँ पे आएगा समवेयर, तो ऑब्वियसली उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 2 units होगा, सो ये फॉल्स है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं TF TFF, सो टी वाले तो ये 3 है, FTF TFF, सो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 8 units, मतलब y एक्सिस से 8 units है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब x इज़ अ 8 इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, मतलब कि इस साइड यहाँ पे, राइट, -8। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द s, सो s इज मतलब फ्रॉम एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि ऊपर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब वो यहाँ से होगा, ठीक है, ये हो गई 6 units, ठीक है,
दिस इज़ द सिक्स यूनिट्स, और ऐसा बोल रहा है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, लेकिन वो नेगेटिव होगा. सो कोऑर्डिनेट्स विल बी एक्स एक्सिस में क्या है, माइनस एट, और वाई इज सिक्स. सो माइनस एट एंड सिक्स, सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पासिस थ्रू अ पॉइंट. देखो इसमें तो क्या करना है आपको कि एक सेटिस्फाइड कर लो, जैसे अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ तो इक्वल आना चाहिए, या तो फिर वाई रखो तो इस साइड, मतलब दोनों पॉइंट्स रखो, देखो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो 2 × 7/2 इज इक्वल टू 4 × 3 − 5, 2 कैंसल, ये क्या होगा 12 − 5, सो 7 इज इक्वल टू 7. ठीक है, सो पहला ही मतलब कि फर्स्ट, वेरी फर्स्ट इज अ ट्रू, सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. लेकिन यहाँ पे आपका ख़त्म नहीं हो रहा है. ठीक है, मतलब आपको चेक करना है वेदर ये 2 × 2 अगर मैं करती हूँ तो 4 × 0 − 5, सो ये 4 इज नॉट इक्वल टू −5. ठीक है, ये बी वाला. फिर ये सी में 2 × 1 इज इक्वल टू 4 × 2 − 5, सो 2 इज इक्वल टू 8 − 5, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 3. मतलब 4 सेटिस्फाइड होगा ही नहीं अगर एक बार ये सेटिस्फाइड हो गया है तो. लेकिन फिर भी एक बार, मतलब चांस नहीं लेना है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना है. सो ये 2 2s है, सो −6, ये तो 7 इज नॉट इक्वल टू −6 − 5, मतलब कि 7 इज नॉट इक्वल टू −11, सो हैंस ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो 35 अ गिवन डायग्राम इज ड्रॉन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी. डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. सो यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, सो एक्स आपके डी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्स जो है ये नेगेटिव है, सो दिस विल बी −4, और वाई यहाँ से वाई ये लेना है 7, सो −4 and 7 इज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए −4 and 7 अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑप्शन ये है, लेकिन एक बार हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर यूनिट्स, सो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, देखिए एक तो पहले स्क्वायर है, ठीक है, तो लेंथ क्या है 3 − −4, सो 7 यूनिट्स. ठीक है, और ब्रेथ क्या है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, सो ब्रेथ है 7 − −3 इज इक्वल टू 10. ये देखिए कहाँ से आया, लेंथ इज 3, तो अगर मैं यहाँ पे मतलब ये 3, ओके, और ये 7, फाइन. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये कितना है, दिस इज −4 − 4, और ये देखिए यहाँ पे ये है 3, सो −4 + −4 − 3, सो 7 × 3, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज 7 × 10 इज इक्वल टू 70 स्क्वायर यूनिट्स. सो ये 70 हो गया, ये सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग 2018 and 2019, उसमें सेट ए में 1848 है और 2631 है, मतलब 4 क्वेश्चन ही आए थे. नाउ कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली. एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ 0 एंड ए, ओके, द पॉइंट 0 0 लाइज ऑन द बोथ एक्सिस, द पॉइंट 3 and −2 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. 3 and −2 मतलब कि पॉजिटिव 3 और −9, तो इट लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट. वॉट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब देखो थर्ड ट्रू कौन सा है, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग. द पॉइंट 0 0 लाइज ऑन द बोथ एक्सिस, दिस इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, एंड फर्स्ट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ अ फॉर्म दिस. एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स एक्सिस एफसी का 0 कैसे होगा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, सो ओनली 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन.
स्टडी द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम केयरफुली. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस होल्ड ट्रू. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी आर 3-5. बी एंड डी, बी का 3 and 5. देखो ए का क्या होगा, ए इज -5 and 3. डी इज -5 and -5. एंड सी इज 3 and -5. अब देखो क्या बोल रहा है कि बी का 3 and -5, सो इट इज़ रॉन्ग. राइट, पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 units फ्रॉम वाई एक्सिस. ए 6 units से वाई, नो 5 units से, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. बी जी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. बी जी, यस दिस इज ट्रू. बी जी इज पैरेलल टू x एक्सिस. एंड s इज ई एन जी लाई ऑन x एक्सिस. ई एन जी लाइज ऑन द x एक्सिस. यस इट इज ट्रू. तो ट्रू कौन से हुए, r एंड s आर ट्रू. ओनली r एंड s आर ट्रू. सो ऑप्शन c इज अ करेक्ट ऑप्शन. अब ऐसे केसेस में क्या करना है, सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख दो. 7 और 5 है. P is 3 and 2. R is -6 and 3. ठीक है. S is -5 and -4. ठीक है, इतना है. अब देखो, अब इसको सॉल्व. सम ऑफ द एब्सिका ऑफ पॉइंट्स P एंड R. P एंड R का सम. R क्या है, ये. सो -6 + 3, इट्स -3. सो D इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सो सबसे पहले 4 and 3. सो 4 and 3, दिस इज़ योर ए. उसके बाद -3 and 3, ये बी है. देन सी इज़ -3 and -4. -3 and -4 इज़ अ सी. फाइंड द डी. तो सबसे पहले हम इन सब को ज्वाइन कर लेते हैं, तो डी तो मिल ही जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे यहाँ तक आएगा और अब इसको ऐसे ज्वाइन कर लो. राइट, तो आपको मिल जाएगा. क्या मिला, 4 and -4. सो 4 and -4 वाला सिर्फ ऑप्शन डी है. ठीक है, लेकिन हम सेकेंड भी करेंगे. ए बी का लेंथ देखो, ए बी का लेंथ कितना है. सेवन यूनिट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और ये है क्या, स्क्वायर. सो ए बी इज 7 cm. सो एरिया इज 7 × 7. सो इट्स 49 square units. सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हुआ. अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 ले लेंगे. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.